हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैमरा। और मैं आज R50 का वायरलेस कनेक्टिविटी चेक करूंगा, कैसे इसमें मोबाइल से यह ट्रांसफर होता है, कनेक्ट होता है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी चलिए चेक करते हैं कितना जल्दी यहां पर होता है और कहां पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। R50 के वाईफाई और ब्लूटूथ ट्रांसफ़र कैसे करते हैं चलिए देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसफ़र होता है और इसका ऑप्शन कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेनू ऑप्शन बटन दबाना है, मेनू, और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जाना है, कनेक्ट टू स्मार्टफोन, नीचे वायरलेस रिमोट, ये योर यूटिलिटी। अगर आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ वायरलेस कनेक्ट करके आपको इस्तेमाल करना है, अपलोड टू इमेज कैनन डॉट को, यहाँ पर आप क्लाउड स्टोरेज है, यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो 10 GB फोटोज, प्रिंट डायरेक्ट अप कर सकते हो। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स में क्या है, कनेक्ट टू स्मार्टफोन्स, इसमें जल्दी होता है एडवांस सेटिंग्स में। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं, ऐड टू कनेक्ट यहाँ करते हैं। ये QR कोड स्कैन करने से भी होता है, मगर मैं यहाँ पर सेट बटन दबा दिया। यहाँ पर मुझे करना है कैमरा एक्सेस पॉइंट, इजी कनेक्शन, ओके। अभी यहाँ पर जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड मुझे मोबाइल में इंटर करना है। तो पहले यहाँ पर वाईफाई वाईफाई में जाकर सर्च करना होगा, यहाँ पर आ चुका है R50। तो यही पासवर्ड मुझे डालना है यहाँ पर, चलिए पासवर्ड को एंटर करते हैं। तो मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया है और यहाँ पर ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कनेक्टेड है। अभी मुझे बैक करके जाना है और एप्लीकेशन ये ऑन करना है। यहाँ पर एक पॉपअप आए, इस पॉपअप को मैं टच करता हूँ, यहाँ पर कैमरा में ओके। तो कनेक्शन बन चुका है, इम्पोर्ट इमेजेस, जो इमेजेस दिया हुआ है या मेमोरी कार्ड में है सारा यहाँ पर दिख रहा है। कोई भी इमेज को अगर लेना है तो जो प्रोसेस पहले भी था, अगर मुझे ये इमेज को लेना है अपने मोबाइल पर तो यहाँ पर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में जाके आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक रिड्यूस साइज और एक आपका ओरिजिनल साइज। तो अगर ओरिजिनल साइज चाहिए तो ओरिजिनल, ओरिजिनल साइज आ गया है जो डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई डाउनलोड हो जाता है तो वहाँ पर डाउनलोड का साइन भी आपको दिखेगा, एरो दिखाता हूँ कैसे। तो भी कभार हो जाता है कि एक फ़ोटो दो दो बार डाउनलोड हो जाता है, तो यहाँ पर एक सिंबल भी आपको देखने मिलेगा जो डाउनलोड हो जाता है, तो यहाँ पर एरो साइन आ जाता है। शूट, शूट मतलब इसको आप रिमोट, मतलब आपके मोबाइल जो है वो रिमोट बन जाएगा इस कैमरे का। जैसे यहाँ पर मैं कैमरा को शिफ्ट कर रहा हूँ, आप देख पाओगे कि यहाँ मेरे डिस्प्ले पर इसका स्क्रीन आ चुका है।
तो यहाँ मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, जैसे शटर स्पीड, अपर्चर, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, एक्सपोजर, आईएसओ, और यहाँ से ही मैं स्टिल से वीडियो मोड में भी जा सकता हूँ। तो वीडियो में भी आप सारा कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। डिस्कनेक्ट का डिस्कनेक्ट, यस, तो ये डिस्कनेक्ट हो चुका है और वाईफाई में बंद कर देता हूँ। अगर दोबारा इसको कनेक्ट करना है तो बहुत ही ईजी है, फिर से आपको मेनू बटन यहाँ पर प्रेस करना है, एडवांस सेटिंग्स में जाना है, कनेक्ट, ये जो भी आपका मोबाइल से कनेक्ट होगा यहाँ पर आपका मोबाइल का नंबर दिखेगा, यहाँ पर ओके करना है, और उसके बाद अपने मोबाइल पर इसको वाईफाई को ऑन करना है। जब भी ये वाईफाई ऑन हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखाएगा, आप देख पाओगे R50 दिखा रहा है, कनेक्ट, बैक करता हूँ और इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। जब भी ये एक्टिवेटेड हो जाएगा ये सारा कुछ विजिबल हो जाएगा यहाँ पर। ये दूसरा यहाँ पर ले चुका है, इसमें जाता हूँ मैं, कनेक्ट हो चुका है, सारा कुछ विजिबल है अभी। तो ऐसे ही आपको R50 को कनेक्ट करना है बहुत इजीली, ये एक मिनट में ये कनेक्ट हो जाता है वाईफाई के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, अभी के लिए थैंक यू।